खुशी होती देखकर, उनके इंटीरियर बड़े अच्छे हैं, लेकिन हर जगह सर पे गाड़ी चढ़ी हुई है। तो आप को बस अंदर चले जाए तो ठीक है, बाहर एक अभी भी तूफान है, बदतमीजी। लेकिन कोविड में बड़ा एक अच्छा फायदा हुआ था, लोगों ने साइकिलों पे आ गए थे। तरतीब तरीका, चाहे कोई बहुत ज्यादा पैसे का ऐसा इतना भी नहीं था, लेकिन चीजें सादा भी हों तो तरीके से हों, वो बहुत था। और उसके साथ साथ मेरे वालिद शायर थे, सबने किया है पुठे काम दा एक कोई बंदा है नहीं। भाई वाह वाह वाह। तो बहुत उसको हाइट मिली, तो ये तो और अच्छा है कि लोग उस फीलिंग के साथ अपने बात कर रहे हैं। इसको इलेक्ट्रॉनिकली आजकल कर रहे हैं, कुछ हो भी गया है। ठीक है, आज स्टूडियो में हमारे साथ बहुत मुनफिक से मेहमान हैं। उनका ताल्लुक तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से रहा, बीबीएस 22। वो चीफ सेक्रेटरी रहे, सिंध पेट्रोलियम के सेक्रेटरी रहे, ये तो इनका प्रोफेशन था। लेकिन इनके पैशन जो था वो है कल्चर और हमारी तहजीब के साथ जुड़ा हुआ है। ये आसार हुनर के राहबर और उसके पासवान बने हैं, और ऐसे लोग जो हैं उनको हमारे माशरे में जिंदा रहना चाहिए। आपको यकीनन समझ आ गई होगी, कामरान लाशारी साहब हैं, इनको कौन नहीं जानता। ये प्रोफेशन और पैशन दोनों को साथ लेके तो चले हैं, लेकिन देखते हमने ये लिया कि आज के दौर में पैशन प्रोफेशन से आगे आ जाता है। वेलकम टू योर स्टूडियो। बहुत शुक्रिया कामरान साहब। आपसे मैं बहुत अरसा पहले आपको जानती थी, और उस दौरान मैं चली गई अमेरिका। कुछ अरसा हम काम करते रहे, जब मैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में थी हम किताबें छापते थे, तो हमने सुना कि एक नौजवान जो है वो लाहौर में उसका कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर थे, तो वो हैं और वो जो बड़ा काम कर रहे हैं लाहौर को सेव कर रहे हैं, वो हम देखा करते थे। लेकिन उस आपका एक तारुफ मेरे लिए बहुत बड़ा तारुफ था, तो हम बड़े खुश थे। टू लिंटन मार्केट का हमने देखा, और फिर हम बड़े उधर एक वहाँ पे हुआ करता था एक कैफे, उसको भी आपने बड़े अच्छे तरीके से किया, तो ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ? मुझे खुद समझ नहीं आई थी, घर से तो मैं डीसी बहादुर बनने निकला था जी, और वो अल्लाह मियां ने बनाया भी तीन जगह सिंध में, फिर लाहौर में दो जगह। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मेरी वजह शिनाख्त या कोई थोड़ी बहुत कोई इनफरादियत है वो इन पोजीशंस की वजह से नहीं आई, वो एक नॉन पोजीशन से आई। ये अजीब बात है, क्योंकि वो ऐसी पोजीशन थी जिसका पूरे फसाने में जिक्र नहीं था। कभी वहाँ पर डीएमजी ऑफिसर या इवन पीसीएस भी नहीं हुआ। नाउ व्हाट वाज दैट नॉन जॉब एज आई एम कॉलिंग इट? इट वाज अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी। ये जब शहबाज शरीफ साहब लाहौर में बड़े वसी पैमाने पर सड़कों को ठीक करवा रहे थे, तो ही रियलाइज के जो सॉफ्ट साइड है लाहौर की, वो उसमें वो प्रॉपर रिस्पांस नहीं आ रहा एलडीए से या कॉरपोरेशन से। तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना ये जो सॉफ्ट साइड जिसे मैं कह रहा हूँ ब्यूटिफिकेशन या हॉर्टिकल्चर, इसके लिए एक मखसूस अलहदा ऑटोनमस बॉडी अथॉरिटी बना दी जाए। तो उसके लिए फिर उन्हें ये भी गौर फिक्र हुआ कि किसका मजाज इसके लिए, क्योंकि हर अफसर इसमें शायद फिट नहीं होगा। तो सो समा को करा मेरे पे गुरा, और फिर जब मैं इसमें आया हूँ तो यकीन करें मुझे फिर मुड़ के मैंने देखा नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि ये इससे अच्छा काम और क्या हो सकता है। लेकिन व्हाई यू एंड नॉट अदर्स? आई डोंट नो, मेरे ख्याल है उससे पहले चूंकि मैं डिप्टी कमिश्नर था लाहौर में, जो आप जिक्र कर रही हैं जी, तो कुछ मैं अपने पर मेरे निकल आए थे और मैं उस किस्म के काम कर रहा, फॉर इंस्टेंस किनार मेला किया। बिल्कुल मुझे याद है, वो मुझे याद है, मेरे कमिश्नर साहब खुश भी बहुत, चीफ सेक्रेटरी तो बहुत ही ज्यादा खुश थे, और 14 रोज वो एक तवाफ का सिलसिला चलता था उधर नहर के साथ, इतनी दुनिया और एक बिल्कुल पहली दफा क्रिएटिव काम हुआ। तो मुझे कमिश्नर कहते हैं अच्छा काम रहा, ये अच्छा है लेकिन अपने रेवेन्यू साइड पे भी जरा और ध्यान रखो। तो वो एक रवायती काम है, एक नया काम है। तो नए काम मैंने एक फेस्टिवल जश्न बहारा और इस तरह की चिल्ड्रन फेस्टिवल एक बहुत बड़ा, बिल्कुल वो
पूरे मुल्क से बच्चों को बुलाया था यूं सो वो अंदाज या वो तौर तरीक नजर आने शुरू हो गए थे, तो इसलिए मुझे इंतखाब हुआ। और फिर मैं जैसे बता रहा हूँ कि मुझे ये लगा कि असल काम क्रिएटिव होना है, नई चीज करें। तो डिप्टी कमिश्नर में भी आप कर सकते हैं, किसी जॉब में भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो था ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर, इसमें मुझे बहुत एक खुला कैनवस मिला। मैंने बहुत बड़े काम नहीं किए, लेकिन छोटे छोटे बहुत सारे किए। बड़ी अच्छी आपने बात की, रस्कन भी यही कहता है। अभी मुझे आपकी बात से याद है ब्यूटिफिकेशन से, कि जो हमारा जो कल्चर है और इसको अगर हम प्रिजर्व करते हैं, इस द ट्रूथ एंड ब्यूटी दोनों चीजें, तो वो सच हिस्ट्री सच्ची तो है। ब्यूटिफिकेशन लाइक स्मॉल लिटिल थिंग्स, यू नो, उसकी डिटेलिंग में जाना, उसकी फिनेस में जाना, उसके डिजाइन में, वरना बड़ी इमारतें या बड़े पुल, ये कुछ और चीज़ें। तो सो एक एक क्यारी को, और मैं कुछ बड़ा पार्क भी लाहौर में नहीं बना पाया, क्योंकि पहले बने हुए थे एक दो बनाए हमने, वो एक मिनी गोल्फ पार्क था वो बना कोई और एक दो, लेकिन असल चीज ये थी कि ग्रीन बेल्ट्स, चौक चौराहे, अपना स्ट्रीट फर्नीचर, फिर मॉल रोड की सेटिंग, दवाल मंडी, फूड स्ट्रीट, वो बड़ी पॉपुलर हुई थी। खाने वाले आपको पता है लाहौर में बहुत खाने के शौकीन भी है, और वो एक माहौल जो बना था, खाना तो अभी भी सारे शहर में मिल रहा है, लेकिन वो आपने एक जगह भी इकट्ठा करके जो एक वॉकिंग स्ट्रीट क्रिएट हुई है, और वेस्ट की तरह आपने उसको पूरा, मुझे याद है गिंजा में, अगर आप उधर गिंजा में, गिंजा डायची जो होटल और उसके बाहर पूरा जो इलाका है, दैट्स ऑल लाइक दैट। मैं तो अब चूंकि बाहर हिस्टोरिक सिटीज में ही जाता हूँ, हिस्टोरिक एरियाज में जाता हूँ, तो बिलीव मी मुझे मजा ही सिर्फ वॉकिंग एरिया, बिल्कुल वो तो, और वो बड़े से बड़े गुंजान जो शहर हैं उनमें भी उन्होंने अर्बन स्पेसेस को क्रिएट किया। इवन यू सी व्हाट इज लिस्टर स्क्वायर और ट्रफैलगर, आप वहां पर यू कैन हैंग आउट, दीज आर द बेस्ट एरियाज टू हैव अ नाइस easy time, social time. नेचर के पास सब ये चीजें में कनेक्ट टू द नेचर, और हैप्पीनेस भी यही इसी में है। गाड़ियों ने जहां हमें बहुत सहूलत दी है, वहां हमारी शहरी जिंदगी को एक एक अफरा तफरी में, और एक मेटल का हर जगह, अब यहाँ पर पाकिस्तान में अच्छे रेस्टोरेंट्स आए हैं, बहुत अच्छे कैफेज आ गए हैं, मुझे खुशी होती है देखकर, उनके इंटीरियर्स बड़े अच्छे हैं, लेकिन हर जगह सर पे गाड़ी चढ़ी हुई है। तो आप को बस अंदर चले जाए तो ठीक है, बाहर एक अभी भी तूफान है, बदतमीजी। लेकिन कोविड में बड़ा एक अच्छा फायदा हुआ था, लोगों ने साइकिलों पे आ गए थे, वो चंद लोग थे और भी चंद महीनों के लिए, लेकिन अभी अभी, लेकिन हमें एटीट्यूड, आप समझते हैं इसका, हमें कुछ ऐसा आप इस डोमेन में ऐसा कर सकते हैं? क्यों नहीं, सब कुछ मुमकिन है, लेकिन इधर गाड़ियों का राज है और गाड़ी वालों का वो, और ट्रेडर्स भी इसमें ये समझते हैं कि जब तक ग्राहक आगे तक गाड़ी नहीं लाएगा, सर पे नहीं चढ़ाएगा, तो मेरी गाहकी या मेरा काम काज नहीं चलेगा। दुकानदार तो सर इतने तो दिन में कोई नहीं, जे गड्डी तो लथदा उसी के अंदर, राती या शाम में थे सड़क के बिच बह के रोकी खान, साथ रक्षे वालों की फैमिली बैठी हुई है वहाँ, कोई आम लोग बैठे हुए हैं, और कोई बुरके वाली है, कोई जीन्स वाली है, जिसकी जरूरत है, हम चले हर जगह तो नहीं, लेकिन कई जगह और कई मौके ऐसे होने चाहिए जहाँ पूरा माशरा जो है, सोसाइटी, वो सारे एक फैमिली की तरह जमा हो, वहाँ फिर महमूद अयाज का खत्म हो जाए। तो वो चूंकि हमारे यहाँ अच्छा जी इस तरह के लोग इस जगह पर जाएंगे, उस टाइप के उस जगह जाएंगे, वो तफरीक चलती रहती है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बहुत है, तो
बट आपने बहुत काम किया हमें इसका पता है, और इसके अभी आप जवाब नहीं, और अभी आप इतने बिजी हैं आपने, मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को आप लेके चलते हैं वो भी हमें पता चलता रहता है, जो काम करते हैं ज़रूरी नहीं लेकिन जब मौका मिलता है फिर उसकी जिक्र ज़रूर करना चाहिए। मुझे एक चीज़ आप ये बताएं कि आपके बचपन में क्या, जब आप घर में थे तो घर में भी आप इसी तरह अपनी चीज़ों को प्रिजर्व करते थे? थोड़ा सा रंग था लेकिन मैं अपनी वालदा को देखता था। मैं एक तो उनका अक्सर माएँ ऐसे ही होती हैं, वो सफाई का बहुत ज़्यादा खपत होता है, उसके अलावा तरतीब तरीका, चाहे कोई बहुत ज़्यादा पैसे का ऐसा इतना भी नहीं था लेकिन चीज़ें सादा भी हों तो तरीके से हों वो बहुत था। और उसके साथ साथ मेरे वालिद शायर थे जी, वो जो उनकी किताब भी आ चुकी थी। जी जी दैट्स राइट, उनकी कुलियात भी आ गई, हमने कोई 30 साल बाद छपा जी बिल्कुल, कदे मौजूद का पहले का एक नुस्खा था। तो सो वो एक मैं समझता हूँ शायराना रंग भी जो है वो बहुत ज्यादा वो उसका भी कोई थोड़ा बहुत ताल्लुक है। आपके घर में भी वो आसार में मिलते हैं। और मुझे इत्तेफाक हुआ, ये मैं आपको बताती चलूं कि इनका घर माशाल्लाह देखने के काबिल है और हम आइडियाज भी लेते। और ये मेरे भी ख्याल आया, तब एक मुशायरा हुआ था, आई केम एट दैट टाइम, तब भी आई थी आपके घर में 10 रोज पहले वो आपने वो सालाना करते हैं। अच्छा हाँ जी, तो लास्ट ईयर 2 साल पहले अमित साहब के साथ तब में आई थी और एक बहुत शुरू की बात है, बहुत अरसे पहले जब नया नया आपने और आपका घर बड़ा मशहूर हुआ था कि उसमें दरवाजे लग गए और वो रोके और वो पुराने छोटा सा बोर्ड उसमें है। तो लेकिन ये भी देखिए ना, एक रवायत जो मैं देखता आया बचपन में, हमारे घर में मुशायरे होते थे, मैं अपने वालिद को मुशायरों में छोड़ने जाता था ड्राइव करके। तो वो फिर 25-30 साल मैंने नहीं ये काम किया लेकिन फिर एकदम ख्याल आया कि उनका बयाज छापा जाए और उनके इस रवायत को कायम किया। तो अब हम जेनेटिक्स में इट मींस इट इज देयर, वो सारा आर्ट एंड कल्चर इट इज देयर, जो अजदाद की चीजें हैं लोगों की और जो रवायात हैं इनसे बहुत प्यार है। बहुत अच्छा, मैंने आपका देखा जब आप बुलाते भी हैं मेहमानों को, बड़ी इज्जत बख्शते हैं अपने आप और बहुत एक उसके अंदर एक रंग भरते हैं आपकी, उस वक्त आप देखने वाला कामरान लाशारी होते हैं। हाउ यू एंजॉय, हाउ यू वांटेड कि सारा पूरा मोमेंट जो है ना जरा जरा डांस करे, जरा जरा उसके साथ उसके अंदर एक ऐसी वो आ जाए कि एक हरकत रहे, खुशी हो, हैप्पीनेस हो, तो आप इस खुशी को मौशरे में यूथ में कैसे डिलीवर करते हैं? देखिए अगर आपने सही नुक्ते पे हाथ रखा, अगर आप मेरे कामों को गौर करें तो इनमें है ही यही रंग है कहीं वो, क्योंकि मेरे दिल दिमाग पे कुछ होता है कि पीपल शुड बी हैप्पी, पीपल शुड लुक हैप्पी, पीपल शुड फील हैप्पी, उसके फिर जो भी अनासर जो भी तौर तरीके मेरे अपने लेवल पे मुझे समझ में आते हैं वो करते हैं। और कहीं भी आपको VIP स्टाइल नजर नहीं आएगा, ठीक है ना, वरना गवर्नमेंट सर्वेंट बहुत दफा प्रोजेक्ट्स करते हैं, अच्छा ये चीफ मिनिस्टर ने फीता काटना है या प्राइम मिनिस्टर आएगा या चीफ सेक्रेटरी को देना, कतन आपको इसमें कनाल मेला में कहूँ किस, मेरे चीफ सेक्रेटरी ने मुझे कहा मेरे को मेहमान आए कामरान तो वो चलना है कनाल मेले पे तुम आ जाओ, मैंने कहा अच्छा जी, तो कहते हैं क्यों कि मसरूफ हो तुम ऐसे बात कर, मैंने कहा नहीं मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ कोई प्रोटोकॉल नहीं है, मैं आ तो जाता हूँ लेकिन मैं कैसे, यू हैव टू फ्लो विद द पीपल। तो कहने के नहीं 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 तुम, मैं समझ गया हूँ लेकिन आओ आओ बैठो, देर वॉज नो प्रोटोकॉल, देर कुडंट हैव बीन अ प्रोटोकॉल, ग्वाल मंडी फूड स्ट्रीट देर वॉज नो वे टू हैव अ प्रोटोकॉल, ठीक है। सो ये जितने या फॉर दैट मैटर फेस्टिवल चीजें वो तो होती, तो और अभी भी जो हम काम कर रहे हैं चाहे वो फूड अपना स्ट्रीट टूरिज्म हो इन दी वॉल्ड सिटी, तो वो उसमें यू हैव टू बी पार्ट ऑफ द स्ट्रीट कल्चर। आप किले में आए जो हम हिस्ट्री बनाई टूर करते हैं, सो वो किसी डिजाइन उसका ये नहीं है कि मैंने किसी एक शख्स को इम्प्रेस करना है, इट्स फॉर द पीपल एंड द मोर द पीपल एंजॉय
and respond and feel good about it, the more rewarded we feel and more we want to do. ये आपकी ये बात जो अभी है ना, जो मुझे अभी आपकी बात से याद आया, जब मैं आई अमेरिका से आई तो आते ही जश्न इफ्तिखार उधर था और वो ओपन, और यकीन मानिए हम, मुझे शायद दो दिन मेरी थी, एक दिन मेरी प्रेजेंटेशन थी और एक दिन हमारा मुशायरा था, लेकिन मैंने शाम को ये सोचती थी दिल्ली ही जाना है क्योंकि उसकी एम्बियंस इतनी अच्छी थी और ये वही किला है जी बिल्कुल, जो 350 साल से बंद पड़ा था, सरे शाम बंद हो जाता था बिल्कुल, कभी ये नहीं था कि ये रात को जागेगा, रोशन होगा, सवाय किसी कोई शहजादा बायस आया है, कोई हेड ऑफ स्टेट आया, और बात जी। आज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री द होल कॉम्प्लेक्स इज लिट अप and it is for the people. Yeah. Again, it's for the people. For the people. Yeah, I see that. ठीक है, मैं आपको फिर कोई it's for the public. It's not for के जी अच्छा यहाँ पे चीफ मिनिस्टर को मैंने बुलाना है, प्राइम मिनिस्टर. It's for the public. It's not the showcase. वो आ जाएं बड़ी काबिले. वो that is another issue. और आए भी हैं, मतलब नकवी साहब तो 8-10 दफा हमारे जी, वो तो बहुत ही नकवी साहब, तो आपको पता है उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे काम किए, बल्कि अभी उन्होंने जो रेडियो शुरू किया वो भी था और हम उसमें भी यू नो आई एम पार्टिसिपेटिंग, वेरी वाइटल रोल उन्होंने मुझे दिया और उसके ऊपर हम काम भी कर रहे हैं, तो ये आपका भी बहुत जिक्र हुआ, इसीलिए मुझे मेरी कोशिश थी कि मैं कुछ ऐसे लोगों को जरूर कैचअप करें जो रियल वर्क जिन्होंने किया और जो हमारे हीरो रहे, और हमारे आज के हीरोज जैसे आप जैसे लोग अगर होंगे, आप क्या समझते कि यूथ इसको आगे कैरी ऑन करेगी उसी अंदाज से जिस तरह आप दे रहे हैं? क्यों नहीं जी, मेरे ख्याल में यूथ में बहुत पोटेंशियल है, बहुत सारी उनमें ऐसी क्वालिटीज हैं जो सच पूछे वो और ये किसी में भी होगी, कुल्लू हम तो नहीं होता, मुझे कहाँ क्या, मैं कोई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, कुछ खबर नहीं है, लेकिन ये लोगों को साथ मिलाकर चलने से, अभी यूथ का मैं आपको बताऊँ कि हमने ये द कॉलोनी एक इवेंट मैनेजमेंट की, आर्ट पर परफॉर्मिंग आर्ट की एक कंपनी यूथ की, और उन्होंने अभी लैला मजनू के नाम से एक थिएटर क्रिएट किया परफॉर्मिंग आर्ट्स का, 2 घंटे का शो था तो, और हमने उनको फोर्ट में जगह दी हुई थी, तो वो क्या उन्होंने रंग भरा, वो मैं या मेरी टीम कभी भी ऐसे नहीं कर सकते, जी भी अपनी जो स्पेसेस हैं उनको पहले देखते हैं कोई शख्स कौन कैसा है क्या कर रहा है, क्योंकि किले का मामला है बड़े बड़ी अच्छी बात है ये, लेकिन मुझे अभी ख्याल आ रहा है हमने पोस्ट अफगान वॉर पे अमेरिका में स्टेज प्लेस किए थे, तो मुझे आपकी वही, और उन्होंने भी हमें चूंकि ईज आउट करना यूथ को, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज, मैं आपको आम गरीब लड़कों की भी बात मिसाल दे सकता हूँ, मसलन एक मैं दफ्तर में आया तो आगे एक स्टैचू बना हुआ मैंने देखा वो और वो हिल पड़ा, तो वो लड़का था जिसने गोल्ड मैन बना हुआ था, तो अच्छा मुझे इन जैसी चीजों का बहुत शौक है, तो मैंने वो कैरेक्टर देखा भी, ये तो हम बाहर भी देखते थे, मेरे कई दफा शौक आता था यहाँ क्यों नहीं कोई, जो वो बिल्कुल स्टिल हो जाते हैं रुक के और आपको पता नहीं चलता कि आप स्टैचू से मिल रहे हैं या जिंदा आदमी से, तो मैंने उससे हाथ मिलाया, मैंने कहा भाई मैं तो तुम्हें ढूंढ रहा था, अच्छा कहता है सर मैं तुम्हारे को बड़ी मुश्किल न लाया जे, मैंने कहा अच्छा बताओ क्या है, कहते जी मैं लिबर्टी वगैरह इधर उधर जाता हूँ लेकिन वहाँ मुझे कोई कभी धक्का मिल दे देते हैं, कभी कोई मजाक बनाते हैं, कभी कोई कहते हैं चल रहे नसी दे करो ये वो, तो मेरी जिंदगी बड़ी मुंतशर है खराब, तो मैंने कहा तुम बस आ गए हो सही जगह, तो उसको अब हमने किले में और फूड स्ट्रीट जिसको हम फोर्ट रोड वाली जगह वहाँ पर वो रोजाना खड़ा होता है परफॉर्म करता है, लोग उसको बड़ा पसीराई करते हैं, पैसे मिलते हैं, ही इज सो हैप्पी, और ये तो बात सही है क्योंकि जब तक आपको पे बैक नहीं करेगा तो अब एक यंग फेलो तो ये यूथ में बड़ा, लेकिन अगर आप उनको क्या कहना चाहिए प्रमोट नहीं करेंगे या उनको ओन अप नहीं करेंगे तो वो एक मुझे किस्सा बड़ा मजे का याद आ गया, मैं पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर में था तो एक मेरे पास यंग या मिडिल एज शख्स जो है वो आ गया, तो कहने लगा कि माहिर अच्छा 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 तो और मैं गिनीज बुक रिकॉर्ड में आना चाहता हूँ, ओके तो मैं यहाँ कब की बात है
दिस शुड बी व्हेन आई वाज इन 98 की बात की अबाउट 2000 समथिंग लाइक दैट. तो कहता है जी कि मैं लाहौर से इस्लामाबाद उल्टी गाड़ी रिवर्स कार ड्राइविंग. अच्छा कार. अच्छा ठीक है. तो अच्छा भी दिस इज ऑल वेरी इम्प्रेसिव बट व्हाई आर यू टॉकिंग टू मी. मैं तुम्हें पता है एक पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर के फूलों के महकमे में हूँ. मेरा इस पुट्टी गड्डी नाल की ताल्लुक है. कहना जी जिन्हों का ताल्लुक है मैं उधरों आया मैं कोई इजाजत नहीं मिल रही. सब ने किया पुट्ठे काम का एको ही बंदा है मोटरवे पे मिली मुमकिन नहीं थी लेकिन इस हद तक अथॉरिटीज मानी कि जी ये जो कजाफी स्टेडियम के बाहर का गोल सा सड़क है ये हम सुबह 6 बजे से लेके शाम 6 बजे तक. अच्छा. इसको उसके लिए मुख्तस कर लो जी. उसने सुबह 6 से शाम 6 बजे तक गाड़ी चलाई विदाउट स्टॉप और रिवर्स और वो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में आया. उसने फिर हार वार हमें भी डाले. वेरी गुड दैट्स गुड. देखिए आपके कितने बड़े बड़े कारनामे हैं. अच्छा इतने तो कारनामे किए घर में भी आपके कारनामे आपने किए होंगे तो हम आपकी जो बेगम साहिबा हैं वो भी इन कामों में आपके साथ शरीक होती हैं. बहुत ज्यादा जी मैंने देखा है इस मामले में बल्कि बहुत अरसा तो लोग यही समझते रहे जी कि नहीं कामरान तो ऐसा ही होता था बस स्विमिंग. I was a swimmer at my young time. तो इसको तो इतना यार ये aesthetics ये art ये चीज. My wife has a fine arts background. Okay. तो she is being a student fine arts miniature जो. तो और उसके साथ उसने साथ बहुत दिया. यानी रात के 2 बजे भी अगर मैं ग्वाल मंडी जा रहा हूँ कोई काम देखने चलो चलते हैं हाँ जाकर कुछ ना कुछ मशवरा नहीं ये रंग इस तरह हो जाए तो ये ज्यादा इस तरह बेहतर लगेगा ये वैसा लगे. तो सो मुशर्रफ साहब भी मुझे इस्लामाबाद में कहते हैं अच्छा यू एंड योर वाइफ ब्यूटिफाइंग इस्लामाबाद. मैंने कहा चलिए आप भी यही समझते हैं मैं मुझे कोई नंबर ही नहीं मिलता. But anyway, she has been a huge support, not only in. कोई aesthetic माँ से निकल के अगर आपको वहाँ घर में पीता. और ये सिर्फ एक तो वो सही है ना कि एक sense होना या aesthetics होना. दूसरा है कि आपको support देना कि आप ये काम बहुत दफा अभी भी मुझे पूछती हैं कब गए थे आप अंदरून लाहौर में. मैंने कई दफा कहता हूँ कि 10 दिन हो गए नहीं ये क्या तरीका हुआ आपको जाना चाहिए आज तो उनको भी साथ बुलाना चाहिए ना. हम उसको बुलाएंगे और हम ऐसा करेंगे कि QA करेंगे यूनिवर्सिटी में वी विल डू समथिंग लाइक दिस क्योंकि वी शुड डू समथिंग ताकि आगे हमारे बच्चों में हमारी यूथ में ये आगे इसको हमें पेनिट्रेट उनके जहन में करें कि ये कितना जरूरी है. क्योंकि आप वो एक तो ब्लैक होल्स होते हैं व्हाइट होल्स जो हमारे जहनों के ना उनको फिल करता है. पढ़ते हुए एक आपका बड़ा बेटा जो है वो ये आपसे कहे कि मैं लम्स में मजीद नहीं पढ़ना चाहता. अच्छा. और मैं क्या करना चाहता हूँ मैं फिल्म मेकिंग. नाउ दिस इज अ वेरी different kind of experience. You know, I know. So, मैं वही कह रही थी ना कि बच्चों को हम underestimate कर रहे हैं. But again, you believe, I did believe yes, in that. Yes, we should. अगर हम as parents ना करते, तो शायद ये चीज़ इस तरह ना हो पाती. बिल्कुल. So we supported him and we believed in him and he believed in his work. Yes. और और आज देखें और कामरान लाशारी कहें या हम बलाल लाशारी के वालिद कहें ये है लेकिन बहरहाल काम तो बहुत किया और आपके अंदर भी हीरोइक पर्सनालिटी और मैंने वो देखा है कि आप जब काम करते हैं तो आप एक्चुअली हीरो ही हैं अपने काम के. और अच्छा दिन बने हुए आप हीरो ही हैं. मेरी बात सुने पॉलिटिक्स में जो लोग आते हैं कुछ लोग बड़े कामयाब हुए पॉलिटिक्स में वो इसी वजह से हुए कि वो पहले हीरो थे.
ऑलरेडी हीरो थे, तो आप भी ऑलरेडी बने बनाए हीरो हैं। और वो ऐसा नहीं है बल्कि हमारा तो ख्याल था कि मौला जट जो थी उसमें आप आते, क्योंकि वॉर में मैंने आपको देखा था, वॉर में मैंने देखा था। तो मौला जट में क्यों नहीं आए? मैंने ये बस वॉइस ओवर मैंने बिलाल से ना उस वक्त कहा था, अगेन लेफ्ट इट टू हिम कि ही इज अ बेटर जज कि क्या क्या। तो सो दिस टाइम ही थॉट ही विल टेक माय वॉइस ओवर, एक ऐसा कोई रोल नहीं है जो बहुत मेरे पे बैठे, बट दैट वाज हिज जजमेंट। तो सो वॉइस ओवर जो शुरू में डायलॉग्स एंड स्क्रीन पे वो जो आई स्पेस पंजाब चुके आसी सूर में वेयर द पावर, तो वो दैट इज इन माय वॉइस। अच्छा आगे भी थोड़ा सा, आई लव नरेशन, आई लव रेसिटेशन अंग्रेजी उर्दू की, बहुत मैंने देखा है आपके, खुद ही कमरे में बैठ के खुद को सुनाता रहता हूँ। बहुत अच्छी बात है। नहीं अब हम आपको बुलाया करेंगे, हम अपने नीचे आपको घरौंदा, हमारे घर का नाम भी घरौंदा हमने रखा है, तो इस घरौंदा में हम आपको तेरे कह के ने जिसको पल भर में गिरा डाला घरौंदा, वो तो मैंने अपने इश्कों से बनाया था। खुशी से उड़ते उड़ते आ गए उस शाख पर बन रहे जहाँ कांटों ने उनकी मौत का सामा सजाया। तो हम आपको जनाब घरौंदा में इनवाइट करेंगे, और हम ये घरौंदा आपको पता है मैंने भी अपना कल्चर सेंटर घरौंदा बनाया था, ये अमेरिका में 20 इयर्स एंड वी वर्क फॉर दैट, दैट्स व्हाई आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर इट। अब बल्कि मेरी किताब आ रही है डाइकोटमी ऑफ कल्चर्स, विल्सन सेंटर से, क्योंकि उर्दू में बेशुमार किताबें लिखी कल्चर्स, चूंकि इसमें अभी देखें कल्चर के साथ बहुत सी चीज़ें रिलेट हो जाती हैं, और मोनोपोली रिलीजन जो है उसकी मोनोपोली कायम हो जाती है। तो आप इसमें इसके ऊपर आप रोशनी डालें थोड़ी सी के हम कैसे इनको सेपरेट कर सकते हैं। ये दुनिया में भी कहीं ना कहीं इसका असर या आंसर आया है, पाकिस्तान में इसका बहुत बड़ा इशू है जी, कि हमने देखिए कल्चर समझने के लिए, कल्चर इज रीजन बाउंड, इट इज नॉट रिलीजन बाउंड, ठीक है ना। असल चीज कल्चर की उसकी ज्योग्राफी से ग्रो करता है, उसकी अपनी हिस्ट्री से, ठीक है ना। मसलन रिलीजन हमारा इस्लाम है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो 52 मुल्कों में है, तो अगर वो सिर्फ रिलीजन ही कल्चर पर होता क्या करे हावी, तो फिर सारे कल्चर मलेशिया वाले भी वैसे ही होते, इंडोनेशिया या तुर्की, और हम सब एक ही तरह के होते, ऐसा नहीं है बल्कि एक मुल्क में ऐसा नहीं है। रीजन्स जो हैं वो मुख्तलिफ हैं, उनके बलोची कल्चर कुछ और है, पंजाबी और है वगैरह, और रीजन के साथ लैंग्वेज चेंज होती है, रहन सहन चेंज होता है, अदा तो थोर बदलते हैं, लबास आपका खाना, एवरीथिंग। वो सो उस कल्चर को महफूज करना या उसमें अपने आप या अपनी शक्ल ढूंढनी, वो बड़ी आइडेंटिटी को कायम रखना। तशखस अगर आप सिर्फ ये कहेंगे रिलीजन इज माय आइडेंटिटी, तो दैट इज नॉट, उसमें तो यू विल नॉट हैव योर ओन फेस, दैट फिर इसका मतलब है आपने आपको आपने 52 मुल्कों के साथ करेक्ट कर दिया, आपकी अपनी क्या शनाख्त है, हु आर यू। यस, तो वो जो है बड़ा जरूरी है। ठीक है रिलीजन इज पार्ट ऑफ कल्चर एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कल्चर, बट एट सेम टाइम वी हैव अदर एस्पेक्ट्स जो, और वो पाकिस्तान में चूंकि इस आइडियोलॉजिकल स्टेट आइडियोलॉजी और वो थीम को इतना ज्यादा हावी किया गया कि जो हमारे अपने 5000 साल के कल्चर्स हैं वो मुनहदम या कमजोर होना शुरू हुए, उनकी अपनी शनाख्त को ज्यादा तरवीज नहीं मिली। सो जो उसकी बात करता रहा उसको या हमने समझा ये पाकिस्तान सही सच्चा पाकिस्तान नहीं है, लेकिन असल स्ट्रेंथ पाकिस्तान की जो हमारा कल्चर वो हमारा कल्चर, क्योंकि हम दुनिया के लोग तो अमेरिका 200 साल से पुराना नहीं है, हम 5000 साल पुराने, बिल्कुल बिल्कुल। तो उस तो उस लिहाज से तो हम ज्यादा रिच है अगर देखा जाए, वी आर क्योंकि योर वर्थ इज विद योर कल्चर, आपसे उसी से दैट्स द पैमाना, और तो यही मेजरमेंट से भी है। लेकिन बड़ा अच्छा, अच्छा मुझे दो तीन मेरे पर्टिकुलर क्वेश्चन है आपके लिए। एक तो ये है कि अगर हम चाहते हैं कि अब वहाँ पे हम कोई जो अब एरियाज हैं उनकी जैसे अथॉरिटी, लाहौर अथॉरिटी जिसके आप डायरेक्टर जनरल हैं, हेड हैं, यू आर हेडिंग, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि दे हैव दिस काइंड ऑफ एक सेपरेट अदारा बना, बहुत कम जगह, और ये बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी। हमें एरिजोना में शायद
अपने कल्चर को वो जो हमारे चैरिटीज वगैरह है वो करने के लिए तो मिलते हैं लेकिन याद नहीं। लेकिन मुझे ये बताइए कि उसके उसकी इजाजत लेनी पड़ती है अगर बड़ा कैमरा है कमर्शियल शूट्स हैं ये फिर इजाजत फिल्म लेनी पड़ती है उसकी थोड़ी बहुत फीस भी है अदरवाइज नॉर्मल कैमरास एंड उसमें कोई इजाजत की जरूरत नहीं है। लेकिन ये अच्छी बात है कि you charge for it because they know the worth of it। जब मुझे शाक साहब कहा करते थे कोई काम इस तरह का क्रिएटिव जो काम है उसको मुफ्त में ना कीजिए। ठीक बात है और कुछ ना कुछ पेमेंट से एक तो उसकी एहसास जिम्मेदारी भी आता है। एब्सोल्युटली और फिर हमने भी we have to generate money for the saving the heritage। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। इसी तरह हम तो स्पेसेस भी अपनी जो है वो भी लेट आउट करते हैं और उनके इकोनॉमिकल उनके कितने चार्जेस कम होते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं शादी शूट जो है वो 30,000 रुपया है। अच्छा ओह माय गॉड ये तो वो जो क्या बना क्या बनती है वो जो बनाई होती है हॉल शादी वालों पर में उसको पता नहीं क्या कहते हैं लेकिन ये तो जोड़े आते हैं वो शूटिंग वगैरह करते हैं यही वो मुझे पता है कि वहां पे तो सो फॉर कमर्शियल लेट्स से ज्यादा 2,00,000 रुपया है। वेरी गुड बहुत अच्छा है। So, क्योंकि इतनी जगह पे देखिए बादशाह मॉस्क में मुझे पता है निकाह का एक सिलसिला शुरू हुआ था यूथ ने हमारे हमारे वक्त से बाद में ऐसा शुरू हुआ था हमारी शादी से कुछ अरसा बाद तो बहुत उसको हाइप मिली तो ये तो और अच्छा है कि लोग उस फीलिंग के साथ अपने बात इसको इलेक्ट्रॉनिकली आजकल कर रहे हैं कुछ हो भी गया है ठीक है कि किसी को आना भी ना पड़े दफ्तर बिल्कुल वो वहीं पर जाहिर है वन ऑन वन क्लिक बुकिंग करें और जाए क्योंकि AI का जमाना है और आज के दौर में जिस तरीके से आप चीजों को इनके ऊपर एनहांस कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं इसमें यकीनन हमारी यूथ के अंदर एक स्पिरिट भी पैदा होगी। आप समझते हैं कि इसमें लड़कियों का ज्यादा रुझान होता है कि लड़कों का आप फिगर आउट करते हैं लड़के ही ज्यादा लेकिन जाहिर है वो अपनी महबूबा या क्या कहना चाहिए जिससे शादी हुई है उसको ले सो ऑफ कोर्स इट्स इज बोथ ऑफ देम या अच्छा अब तो थोड़ा सा मुझे आपसे पर्सनल क्वेश्चंस हैं अगर आप तो आपकी शादी क्या लव मैरिज थी नहीं बिल्कुल ही रवायती थी। अच्छा बड़ों ने एक दूसरे को पसंद किया अच्छा वाह और हमें कहा कि बस तय हो गया है मुझे मैं टेलीविजन पे उन दिनों में न्यूज कास्ट कर रहा था अंग्रेजी में तो मेरी बेगम ने मुझे टेलीविजन पे देखा अब वो मजाक तो ये करती है कि मुझे ये नहीं बताया गया था कि अंग्रेजी है या उर्दू है कि जो खबरें पढ़ते तो मैंने पहले बंगाली की खबरें देखी फिर मैंने अरबी की देखी फिर मैंने उर्दू की देखी फिर मैं कहूँ ये नहीं हो सकता ये तो फिर अंग्रेजी वाला मुझे कुछ ठीक लगा तो वी वर मैरिड इन अ वेरी ट्रेडिशनल वे तो बट अल्हम्दुलिल्लाह वी क्लिक्ड विद ईच अदर शादी होते ही आई वेंट टू उमरकोट द डेजर्ट्स ऑफ दरबार दैट फ्रॉम देयर माय करियर बिगिन। अच्छा वेरी वेरी हार्ड एरिया जी तो उसमें कोई नई दवेली बेगम बहुत कम होंगी जो ऐसी जगह पर जाकर खुश हो लेकिन माई वाइफ वॉज She is a very, very cheerful and an easy, open kind of a nature. So, वो तो दरख्त के नीचे एक सैंडविच में बैठ के वो बड़ी खुश होती थी हम उधर खोखरा पार लाइन है जिसमें ट्रेन वो पुरानी छुक छुक ट्रेन उस पर सो वी हैड नंबर ऑफ पिकनिक्स और कहीं कश्ती पे कहीं सपेरे के पास ये छोटी छोटी जगहों पर खुशियाँ और इस तरह और उस कल्चर से और सिंधी जबान से बहुत रगबत हो गई सेंस अभी भी आपको आती है सिंधी ज़बान जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं छोटी बड़ी तकरीर कर लेता हूँ। वाओ तकरीर तो आप कर ही लेते हैं तो मैंने देखा अच्छा जब भी बहुत सी चीजें मिल रही हैं मेरे बेटे ने भी स्टेज प्ले किया था वहाँ पे वो मुझे अभी ये लेकिन फिर उसको जाहिर हमें चेंज करना पड़ा वहाँ पे हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि हम उसे हॉलीवुड में ही जाने दें तो वो बस उन्हीं का होके रह जाता तो लेकिन दूसरा मुझे अभी आपने रेडियो की बात कही तो खबरों टीवी की खबरों की बात कही तो खबरें मैंने भी सुनाई थी लेकिन आप अब मैंने देख रही हूँ कि एक मर्द जो है अपनी बीवी की इतनी खुले में तारीफ करे ये किसी फेमिनिस्ट मर्द का ही काम हो सकता है और शी सो लकी कि आप
खुले में एक बीवी की तारीफ कर रहे हैं, ये बहुत कम औरतों को ये घर वापस भी जाना है। अभी अर्थ नहीं, मैंने देखा है कि आप जिस तरीके से ट्रीट भी मतलब जैसे बट वी लाइक फ्रेंड्स, यस और दैट्स गुड, दिस इज गुड, उसको उसके साथ मजाक करना, छेड़ना भी बहुत अच्छा लगा। ये आपका जो साइड ऑफ योर पर्सनैलिटी है, और फिर ऐसी फैमिली में जब बच्चे बनते हैं ना इस माहौल में, तो वो एक बड़ा पॉजिटिव उनकी ट्रेनिंग हो जाती है। हमारे जो बिहेवियर्स होते हैं, हमारे जो इंटरेस्ट है, वो हम एक्चुअली बच्चों की ट्रेनिंग करते हैं। अब इतना आपने कहा, लेकिन आप मोशरे में देख रहे हैं कल्चर एक और भी बड़ा है कि हमारे मोशरे में मर्ज, हमारे एक पेट क्वेश्चन है हम जरूर करते हैं कि चार शादियों का बड़ा रिवाज आ गया। तो किधर ऐसी मैं वो आई विल एक्सप्लोर दैट, मेरे तो इर्द गिर्द कहीं भी नहीं। मैं कई बार ये कहता हूँ, मेरे दादा ने 7 शादियां की थी, मेरे नाना ने 6 की थी। अच्छा, वो फिर मेरे वालिद ने वो सिलसिला तोड़ दिया। अच्छा, तो वरना हम तक भी पहुंच ही जाता। तो ये लेकिन आजकल तो बिल्कुल मैंने ये देखा है कि हम बहुत से मर्दों को देखते हैं, उनको मैंने कहा भी अमेरिका जाओगे तो कितनी को लेके जाओगे, एक को क्यों लेके जा सकते हो, यू नो आप दो को भी नहीं, इजाजत नहीं है। अभी मेरे स्टूडियो में थे, वो कहते हैं ये तो मुझे पता नहीं था। एक अमेरिका एक तो इसलिए, लेकिन इसके ऊपर आप रोशनी डालें कि मैंने देखा है अक्सर हमारे, और फिर वो एक मजे की बात ये उसके ऊपर फोकस करके कहते भी हैं कि ये कीजिए। तो वो एज अ मैन आप क्या समझते हैं कि इसका, ठीक है हमारे राइट, अगर हम समझते हैं हमें मजहब ने हमें इजाजत जरूर दी है, इजाजत जरूर है, लेकिन हर चीज एक कल्चरल है। ये कोई कोई आप पर एक आयद नहीं हो गई कि आपकी पाबंदी है और इससे आप मुसलमान बनेंगे। वो एक उस जमाने में तो चार क्या बड़ी वो एक लिहाज से रिस्ट्रिक्ट किया गया चार तक, वरना उस दौर में और उस माहौल में तो वो देयर नंबर ऑफ वुमेन यूज्ड टू बी, फिर कॉन्क्यूमाइंस का भी एक सिलसिला था। सो यू हैव टू सी इट इन द कॉन्टेक्स्ट, उसके असबाब में समझने की जरूरत है। आज की दुनिया में अगर इजाजत भी हो, जो कि एक हद तक तो है या लोगी तौर पे है, तो मैं तो पना मांगूंगा। एक ही खुश रखे उसकी तारीफें करनी पड़ती है। मैं यही कहती हूँ इतना सा दिन है, वो मुझे कुछ आए कहते हैं हम डिवाइड कर लेते हैं, इनका कैसे आप इतने से दिन को आप कैसे जस्टिस कर सकते हैं? तो वो अगर हाँ एक पुराना एग्रीकल्चरल या कबायली माहौल, वो एक अलग बात है, लेकिन आप ये याद रखिए ये चीज सबसे कीमती है, इसकी कदर क्या है। बाकी जो आपको अपना वक्त देते, ये जो लोग लाते हैं बड़ी अच्छी बात है, अच्छी रवायत, कोई तोहफा ले आना, कोई और किसी के लिए कुछ कर लेना, मगर जो आपको टाइम का तोहफा देता है वो उसकी कदर करें। बहुत अच्छी बात है। मेरे कई मेहमान दोस्त आते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्हम्दुलिल्लाह एक मेहमान खाना है, ड्राइवर गाड़ी दे, लेकिन जब वो मुझसे टाइम मांगते हैं मुझे बड़ी मुश्किल होती है, आसान नहीं होती है। सो कहते हैं खलील जिब्रान कहता है, when you give of your possessions, you give but little. It's when you give of yourself that you truly give. Wow, खलील जिब्रान की बात आपने करके। तो when you give of yourself, now what is giving of yourself is mainly the time and your दिल, ज़हन, दिमाग, अपना पूरा अपना पूरा ऑरा, अपना सारा जी, उसमें पैसे नहीं है। नहीं, कहते हैं यू गिव बट लिटिल व्हेन यू गिव ऑफ योर पोजेशंस। या बिल्कुल, पोजेशन दे देनी, लो जी अच्छा तुम अच्छा ये 10,000 ले लो, ये मेरा कोट ले लो, ये मेरी गाड़ी चला लो, ये और ये कोई बड़ी बात नहीं। नहीं, एक्चुअली तो हमारा वो टाइम है, और हम आज बहुत इस चीज में उनका थैंक यू करते हैं कि आज आपने अपने कीमती टाइम में से हमें हमें वो तोहफा दिया और हमारे साथ यहाँ पे हुआ, और हम कोशिश करेंगे कि ये वॉशिंगटन DC भी हमारे पास आए और हम फिर इनके साथ हम व्लॉग करेंगे वहाँ पे, और ये हमारी बड़ी ख्वाहिश है, और आपसे वादा भी ये लेके चलते हैं कि आप
अपनी बेगम के साथ हमारे पास नजर आए और इंशाल्लाह वी विल हैव अ गुड टाइम। और आप अपना कोई पैगाम यूथ को देना चाहें कि क्या करना चाहिए आज की यूथ को, किस लाइन में सोचना चाहिए? नेवर लूज होप और उसकी स्ट्रेंथ जो आपके अंदर होनी चाहिए जिंदगी में, उतराव चढ़ाव जाती हैसियत में भी और इज्तमाई भी, ये चैलेंजेस आते रहते हैं। लेकिन हमारी असल स्ट्रेंथ जो है वो ये बड़े बड़े बाजू बनाने में नहीं है, असल स्ट्रेंथ आपके अंदर है। बिल्कुल। और वो यही है कि आप पुर उम्मीद रहें, अपने आप में बिलीव करें। हर एक किसी को अल्लाह ताला ने, मैं समझता हूँ, कुछ सलाहियत जरूर, बिल्कुल मुकम्मल तो कोई शख्स नहीं है, लेकिन उस सलाहियत को समझने की कोशिश करें जो आपको इंफरादी तौर पर मिल चुकी है, उसको जांचें और समझें और उसको फरोग दें और उसी पर चलें। सिर्फ इसलिए नहीं कि चूंकि माशरा चाहता है कि ये बनूं और वो करूं, बल्कि जो आपका अंदर चाहता है, जो आपको वो पुकारता है कि नहीं तुम ये करो, उसको करो। बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू। एंड दोस्तों, ये हैं आज हमारे आज के दुनिया के हीरो जो कि मौसमों में ज़िंदा रहेंगे हमेशा। हम इनके शुक्रगुजार हैं कि आज इन्होंने वक्त दिया, लेकिन इन्होंने एक सबक बहुत अच्छा हमें दिया कि खुद शनासी का सफ़र, कि आप अपने आप की सलाहियतों को, अपनी सलाहियतों को जानें। तो हमें अपनी अपनी सलाहियतों को जानते हुए हमें अपने सफ़र को जारी रखना चाहिए और हम भी अपना सफ़र जारी रखेंगे। आज बीना जी को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में हम आपसे मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।